देखिए, जयराम आश्रम से निकलने के बाद हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में यात्रा के जाने का कार्यक्रम था, और वहाँ पे हज़रत निजामुद्दीन औलिया में दरगाह जाने के बाद ये इंडिया गेट की तरफ बढ़ेगा। इंडिया गेट में भी कई सामाजिक संगठनों के लोगों के वहाँ जुटने का कार्यक्रम है, और राहुल गांधी का स्वागत वो लोग करेंगे। उसके बाद ये यात्रा जो है लाल किला जाएगी, जहाँ पे 4:30 बजे के आसपास लाल किला पहुँचने का कार्यक्रम है, और लाल किला में एक जनता को संबोधित करने के बाद ये यात्रा आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 9 दिन के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी दिल्ली से ही। क्या ठीक है रमन, आप मेरे साथ बने रहें, और रमन के साथ साथ संजीव त्रिवेदी भी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। संजीव, आप तो साथ साथ चल रहे हैं लग रहा है यात्रा के। जी बिल्कुल, मैं साथ साथ ही चल रहा हूं इस यात्रा के, और इस वक्त हमने जो निजामुद्दीन दरगाह है वहां पार किया है। राहुल गांधी वहां पहुंचे थे आश्रम के बाद यहीं। उन्होंने एक मिनट संजीव, दरगाह की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, निजामुद्दीन औली इस दरगाह में फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने वो पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा था आश्रम में वो ठहरे थे, विश्राम भी किया था। अब रास्ते में, क्योंकि जिस तरीके का शेड्यूल है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से इंडिया गेट की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा। फिलहाल निजामुद्दीन औली दरगाह से ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। दुआ मांगी जा रही है देश के लिए, फूल और चादर उन्होंने चढ़ाए हैं, और इसके बाद ये यात्रा इंडिया गेट की तरफ बढ़ेगी। वहाँ पर भी कई संगठन पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। हजरत निजामुद्दीन औली की दरगाह की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त यात्रा के बीच में राहुल गांधी चादर चढ़ाने दरगाह पहुंचे हैं। यहाँ से दुआ करने के बाद राहुल गांधी आपको दरगाह से निकलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया